कंगना रनौत के थप्पड़ वीडियो में रिकॉर्ड हुआ दूसरा थप्पड़। एक्ट्रेस के साथ खड़ी महिला को साथीदार ने मारा। कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई घटना खबरों में बनी हुई है। मंडी से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले CISF की महिला सुरक्षाकर्मी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान एक्ट्रेस को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कंगना को नाराज और गुस्से में देखा जा सकता है। लेकिन इसी वीडियो में कुछ और भी रिकॉर्ड हुआ है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वायरल हुए वीडियो में कंगना के साथ उनका बैग लेकर ब्लैक कोट पैंट में खड़ी महिला को एक्ट्रेस के साथीदार ने भी थप्पड़ मारा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कंगना के साथी जिन्हें हिमाचली टोपी में देखा जा सकता है साथ खड़ी महिला को थप्पड़ मार कर सवाल करते दिख रहे हैं। ये महिला कंगना का बैग लेकर उनके साथ खड़ी थी। वीडियो वायरल होने के बाद अब इस दूसरे थप्पड़ पर भी सवाल किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट करते हुए महिला के सम्मान की बात कही है तो अन्य यूजर्स ने एक्ट्रेस के साथीदार की तुलना कुलविंदर कौर से करते हुए उन्हें भी सजा दिलाने के लिए कहा है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जिस महिला को थप्पड़ मारा गया उसकी पहचान नहीं हुई। ये महिला एयरपोर्ट स्टार है या एक्ट्रेस की पर्सनल असिस्टेंट ये कहना मुश्किल है। बता दें हिमाचल प्रदेश की मंडी से चुनाव जीतने के बाद एक्ट्रेस चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी जब उनके साथ ये हादसा हुआ। थप्पड़ मारने वाली CISF की महिला कर्मी कुलविंदर कौर पर एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया गया। ये पूरा विवाद किसान आंदोलन के दौरान कंगना के बयान से जुड़ा है। कुलविंदर कौर एक्ट्रेस के बयान से नाराज थी। थप्पड़ वाली घटना के बाद उन्होंने कहा कंगना ने बोला था 100 रुपए के लिए महिलाएं किसान आंदोलन में बैठी है, क्या ये वहाँ पर बैठी थी? मेरी माँ वहाँ बैठी थी, यही कारण था थप्पड़ विवाद का।